हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं बिल्कुल अभी तैयार हो चुकी हूँ, और पीछे ना कपड़े तय करने को हैं, तो वो मैं अभी करूँगी। थोड़ा मैं नाश्ता कर लूँ पहले, और स्वेटर पहन लूँ, ठंडा लग रहा है। अभी नहा के उठी हूँ, और बाथरूम वगैरह धोना था, संडे था तो मेरे को बाथरूम वगैरह धो के नहाना था, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को टाइम ज़्यादा लग गया है नहाने में, और लेट भी हो गया है। तो मैं नहा ली हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, और मैं अपने लिए कर रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि पानी इतना ठंडा है कि पिया नहीं जाता है। तो मैं ठंडियों में क्या है कि ज़्यादातर गर्म करके ही मैं पानी पीती हूँ, और अभी तो नहा के उठी हूँ तो और ज़्यादा ठंडा लगेगा, मैं ठंडा पानी पीऊँगी तो इसलिए मैं थोड़ा सा गुनगुना कर लेती हूँ, उसके बाद से पीती हूँ। स्वेटर पहन लूँ, ठंडा लग रहा है बहुत। अब ठीक हो गया, अब स्वेटर पहन ली हूँ। मेरे पास 100 रुपए का नोट है, मम्मी ने लिया है। और मेरे पास 5,000 का दिखाई, बोलो वो 500 को दिखाइयो एक बार ऐसे। और ये देखो 500 के मेरे वाले। एक पूरे पैसा पैसा हो रहा है यहाँ पे। हाँ, पैसों की बारिश हो रही है यहाँ। देखो अब दे मेरे को एक बार, ये देखिए। अब मेरा मेरे को 100 रुपए दो। ये देखिए, पैसों की बारिश हो रही है। निकाल लिया मैंने। अब बाकी अपना आराधना कर लो, मेरे को नहीं जाना। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, और मैं सीढ़ी पे बैठी हूँ, बाहर जीने पे बैठी हूँ मैं आगे से। और ये हमारे यहाँ का रोड ना बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी बैठने लायक नहीं है कि हम कहीं बैठ सकें। मैं अपने जीने पे बैठी हूँ, ये देखो। काश 14 का होता, मजा आ जाता। 13 पे अनु आउट हो जाती, 200 रुपये फाइन भरने पड़ते। हो गया। तो धूप में बैठने के बाद से मैं आ गई थी अंदर, और थोड़े बहुत कपड़े थे तो वही मैं तय कर रही थी। ये कपड़े सूख गए थे, और जो नहीं सूखे थे वो मैं बाहर जाली पे डाल दी थी, तो वही मैं तय करके ना रख रही थी। उसके बाद से यहाँ पे ना ब्रेड मंगाई थी मैं, तो वो मैं सेक रही हूँ अच्छे से। इसको सेक लूँगी, ये देखिए सारा मैं सेक ली हूँ अच्छे से, और इसको ना मैं बनाऊँगी चाशनी वाला ब्रेड। तो यहाँ पे मैं पानी रख दी हूँ, और ये चीनी है, इस डब्बे से आधा डब्बा से थोड़ा सा कम है, तो वही मैं चाशनी बना रही हूँ। और इसमें एक इलायची कूट के डाल दी हूँ, और यहाँ ना चाशनी हमारी बन चुकी थी, गाढ़ी हो चुकी थी चाशनी, तो उसमें जो हमने सेक के ब्रेड रखे थे वो मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मीठा ब्रेड ना बहुत अच्छा लगता है, इस पे आप लोग खोया लगा लो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट मेरे पास खोया नहीं था यहाँ पे। अनु कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है, बन गया। और तुम्हें भी दूँ? नहीं चाहिए अभी, नहीं ये अपना गेम खेल रहा है तो खाएगा कहाँ से। तो गाइस, मेरा चाशनी वाला ब्रेड बन चुका है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं बना ली हूँ, और बच्चे मेरे खा भी लिए हैं, उनको बहुत अच्छा लगा है, और हमें भी काफ़ी पसंद आता है। तो जैसे मीठा कुछ खाने का मन हो ना, आपके घर में कुछ मीठा नहीं है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत कम पैसे में भी बन जाता है। जैसे अभी मैं मंगाई थी 20 रुपये का ब्रेड, लेकिन पूरा नहीं बनाई हूँ मैं, कम बनाई हूँ। और ये ब्रेड बहुत अच्छा लगता है, मीठा ब्रेड बहुत ही अच्छा लगता है चाशनी बना के, और ब्रेड को जैसे हम चाय के साथ सेकते हैं ब्रेड खाने के लिए, वैसे ही सेक के और इसको चाशनी में डाल दो, बहुत अच्छा लगता है। और इसके ऊपर से आप जब खोया लगा देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो मेरे पास खोया नहीं था, तो मैं ऐसे ही सिर्फ चाशनी में डाल के और हम लोग खाए हैं, बहुत अच्छा लगा है। अनु को अच्छा लगा है, अंश ने भी खा लिया है, अंश को भी अच्छा लगा है, और ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, कम पैसे में ही हो जाता है हमारा। तो ये वाली ना, आप ये वाला रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों को बहुत पसंद है, वही लोग कहते हैं कि मम्मी बना दो बना दो, तो मैं बनाती हूँ,
क्योंकि बच्चे जिस घर में होते हैं ना, बनाना ही पड़ता है, नहीं भी मन हो तो भी बना के हमें देना पड़ता है। तो मैं वही बनाई थी, उन लोगों को अच्छा लगता है तो मैं बना के दी थी उन लोगों को। और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। आपके घर में कुछ मीठा नहीं है तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। और इस पर खोया लगा लो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप लोग खोया लगा के खाएं तो और अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरे ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और मुझे भी सपोर्ट मिल सके। तो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और बाय बाय।